अभी आपने गोने साहब की जो बातें सुनी, इस जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, पता चलता है कि वो जेल से सारी चीज़ें गुजर रही हैं। आई उन्होंने यहाँ पर हमारे कार्यक्रम के सामने चीज़ें सारी समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम और बस है वो इसको किस तरीके से बढ़ाते हैं, यहाँ पाकिस्तान खासतौर पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका मैं बाद में रेलवे में जिक्र करूँगा। जो खासतौर पर मैं अभी भी गा रहा है, मैंने एक साल हो चुका है इस घर के अंदर, इसलिए एक दो चीज़ और सी ऐसी जो आप सामने आएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। मेरा काम भी है, लेकिन मैं दो प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ दे चुका हूँ, दोनों ने मुझे पूछा भी बाकी ठीक है, बस उसी का तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर गोने साहब का और इनकी नीयत का और इनके द्वारा ये पूरी करें और हम सारे जो साथियों में तो ये पूरी करें। ठीक जी, मैं जो दोस्त आज हमारे साथ माशाल्लाह शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बहुत मुख्तसर मैं उनका जरूर करना चाहूँगा। अंसर फारूक चौधरी साहब, इनका तल्लक सियालकोट से है, ये 2004 से पीटीए में थे, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में सीनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रहे। कोरोना के दौरान माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त काम किया और प्यार वही होगा जो मैं अपने बेटे और बेटी के साथ करता हूँ। चौधरी सरवर तेरे जान सर, पेशवार पेशवार। चौधरी सरवर तेरे जान सर, पेशवार पेशवार। और इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजल व करम से अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारी पार्टी जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो फौकियत रखेगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये बात नहीं है कि बरतानिया में अमेरिका में इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। मैं 3 इंस्टीट्यूशन बनाने में डायरेक्टली एंगेज रहा हूँ। आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1122, और मुझे याद है कि उस नाश्ते पर चौधरी शुजा साहब भी मौजूद थे, उस वक्त परवेज़ अलाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने जब से एम्बुलेंस सर्विस को हस्पतालों से अलहदा किया है और एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पर चलाई है तो वहाँ हमारे मसाइल बहुत हद तक हल हो गए हैं, तो आप यहाँ पर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। इनकी सारी ट्रेनिंग, उनका खर्चा सारा जो है वो ग्लासगो सिटी काउंसिल जो है वो अफोर्ड करेगी। और उसके बाद आपको मालूम है कि अब रेस्क्यू 1122 जो है वो पंजाब की सबसे पॉपुलर और क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए कि जब आप इंस्टीट्यूशन बना देते हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशन जो हैं आने वाली हुकूमतें भी उनको तब्दील नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा इशू था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते थे, तो उनके लिए हमने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बनाया। अगर ये मैं बात तस्लीम करता हूँ कि लोगों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हमारे सारे मसाइल बदकिस्मती से हल नहीं हुए, लेकिन उससे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो ज़रूर बना है और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी जो है इस वक्त भी लोगों की मदद कर रहा है। तो आप सबको ये भी मालूम होगा कि मैंने 1 दिसंबर 2021 को लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस करते हुए कहा था, जब मैं गवर्नर था तो मैंने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी साल में 30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं और ये बनता है 2.5 बिलियन डॉलर एक महीने का, और हमने IMF से लेना है 2 मिलियन डॉलर साल का सिर्फ 3 सालों के लिए, और हम IMF की तमाम शरायत अपने मुल्क की हर चीज़ लिख के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसाफ भी देने के लिए तैयार नहीं है।
तो मैं आज भी ये बात कहता हूं जो मैं सक्सेसर गवर्नर्स को कहता हूं कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रोटेक्शन दे दें, हम उनको यहां पर कब्जा माफिया से निजात दिला लें, तो जो हमारी रिमिटेंस जो है $30 बिलियन हैं वो 3 सालों में डबल हो सकती हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की जद्दोजहद करेगी और इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंटेशन जो है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जिस तरीके से ख्वातीन को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, मैं समझता हूं कि इसी तरीके से हमें अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को भी रिप्रेजेंटेशन जो है देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा मकसद जो है इसमें हासिल जो है वो कर सकता है। चूँकि ये कायद आज़म ने यह पार्टी बनाई थी और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि आई विल यूज़ एवरी औंस ऑफ माई एनर्जी, माई ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी विजन, मेरी डिटर्मिनेशन इस जमात को फ़ाल बनाने में और इस जमात को वो जमात बनाने में, जिस इस मुल्क को वो मुल्क बनाने में जिसका ख्वाब कैद आज़म मोहम्मद अली जना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है। पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है। पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है। तो मैं अपनी मैं पाकिस्तान में हमारे तमाम जो तबकात हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, इन सब को दावत देता हूं कि आइए हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम देंगे। हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने हर रिसोर्सेज दिए हैं। जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, अगर हम इस मुल्क में गुड गवर्नेंस दे दें और इस मुल्क का जो पोटेंशियल है उसको पूरा रियलाइज कर लें, तो हमारा मुल्क जो है तरक्की कर सकता है, हमारे मुल्क से गुरबत ख़त्म हो सकती है, हमारे मुल्क में जो लोग फाका कशी पर मजबूर हैं, जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो सकती है, हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो सकता है, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी मुझे भी और आप सबको अपने गिरेबान में झांक कर ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था, जो पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने बनाया था, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, क्या हमने उस ख्वाब को पूरा किया है? क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं? तो मैं आज कुछ कोट जो हैं कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह के, वो आपके सामने पेश करूंगा कि जो आज हमारी मुल्क में नासूर बने हुए हैं। सबसे पहला कोट जो उनका है वो ब्लैक मार्केटिंग के बारे में है। कैद आज़म फरमाते हैं कि चोर बाजारी मुआशरे के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बाखबर, चालाक और बज़ाहिर ज़िम्मेदार नज़र आने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को इंतहाई सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग खुराक और दीगर शायद ज़रूरत की निगरानी और तकसीम के निज़ाम को बगाड़ते हैं और आम लोगों में फाका कशी और अमवात का बायस बनते हैं। तो आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में अगर मैन्युफैक्चरर से या एग्रीकल्चर से या ज़राअत पेशा से अगर 100 रुपए की चीज़ काश्त करती है तो जो कंज्यूमर है उसको 130 रुपए में मिल जाती है, 140 रुपए में मिल जाती है। लेकिन आप यहाँ पर वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, जिस गंदम ले लें, कॉटन ले लें, जिस निर्ख पे ज़िम्मेदार बेचता है उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा निर्ख पे ये मार्केट में बेचती है। तो ये सारा एहतसाल जो है या प्राइस हाइक जो है, ये जो स्टॉकिस्ट हैं जो मनी को स्टॉक करके ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं, उनकी वजह होता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़िम्मेदार हुकूमत को कायदे आज़म के इस असूल पे कार फरमा होना चाहिए।
और दूसरी बात मिनॉरिटीज के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, और मैं अपनी तमाम मिनॉरिटीज को ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मिनॉरिटीज के हकूक के लिए जद्दोजहद करेगी। वो हकूक जो कायदे आजम ने फरमाए थे, कायदे आजम फरमाते हैं कि तमाम अकलियतों का खा उनका ताल्लुक किसी भी मजहब फिरके या ग्रोह से हो मुकम्मल तहफ्फुज दिया जाएगा, उनका दीन व मजहब कती तौर पर महफूज होगा, उन्हें इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी होगी जाएगी, उनके मजहब अकायद जानोमाल और तहजीब व तमद्दन को तहफ्फुज हासिल होगा, वो हर तरह से पाकिस्तान के शहरी होंगे जिनके साथ दीन या जिल्लत बात की बुनियाद दीन या जात की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाजी रवाज नहीं रखा जाएगा। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिहाफ पे ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मिनॉरिटीज़ की, चाहे वो मरकज़ की तंजीमें हों, सूबे की तंजीमें हों, ज़िला की तंजीमें हों, मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो हैं हमारी पार्टी का हिस्सा होंगी और हम उनको भरपूर नुमाइंदगी देंगे। आजकल चूँकि सहाफत के बारे में, सहाफत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुश्किल पेशा है, सहाफ़ी ने जो भी बात करनी होती है अगर मेरे हक में नहीं करता तो मैं अटैक करता हूँ कि वो मेरी बायस्ट है मेरे खिलाफ। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के हकूक के लिए जद्दोजहद करना हमारा हक है, और कायदे आज़म ने इस बारे में फरमाया है कि उन सहाफ़ियों की हफाजत करें जो अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, जो खुलकर आज़ादी और ईमानदारी के साथ हकूमत पर तनकीद के ज़रिए आवाम और हकूमत दोनों की खिदमत कर रहे हैं।